कन्नौज नगर पंचायत द्वारा संचालित वाचनालय, जिसे लाइब्रेरी भी कहा जाता है, उस स्थान पर नगर पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत 75 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसका करीब 80% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ बरसों पुराना वाचनालय था, जहाँ पर इतिहास से संबंधित पुस्तकें, दैनिक अखबार, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने के लिए रखी जाती थी। वाचनालय के आसपास काफी जमीन होने से वह भूमि लावारिस हालत में ही पड़ी हुई थी। विधायक आशीष शर्मा के प्रयास से मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना अंतर्गत 75 लाख रुपए निर्माण कार्य के लिए आए नगर के नागरिक काफी बरसों से यहां पर एक बगीचा निर्माण, बच्चों को खेलने के लिए झूले, फिसल पट्टी, बुजुर्गों के लिए मॉर्निंग वॉक की जगह आदि की मांग करते आ रहे थे। ठेकेदार राजेश सिंह द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। करीब 1 माह और इस कार्य में लगेगा, उसके बाद बुजुर्ग, बच्चे आदि इस बगीचे का लुफ्त उठा सकेंगे। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। ये जो लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा है, ये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना तृतीय चरण के अंतर्गत है। कुल लागत इसकी अपनी 75 लाख के आसपास की है। 75 लाख से यहाँ पे एक सीसी रोड निर्माण, जो कि तालाब से जोड़ेगा यहाँ के लाइब्रेरी गार्डन को, बच्चों के लिए खेल कूद के झूले, एक लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की अपनी बिल्डिंग, जिसमें नवीन साहित्य की पुस्तकें और पढ़ने की चीज़ें बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबके लिए उपलब्ध रहेंगी, और यहाँ पे एक गार्डन की आवश्यकता थी कन्नौज में, चूँकि गार्डन का निर्माण किया जा रहा है कि बड़े बूढ़े बच्चे लोग सब आकर यहाँ पर घूम सकें। अच्छा, जनता को ये कब तक समर्पित हो जाएगा सब? इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही कोशिश है हमारी कि महीने भर के अंदर इसको पूरा पूर्ण करके और ये पब्लिकली चालू कर दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।